भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सदैव यह प्रयास है और मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद है। जहां भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं वहां शासन और प्रशासन सख्त कार्रवाई भी करता है। डॉक्टर गोविंद सिंह आरोप लगाने के अलावा कर ही कह सकते हैं, वो खुद अपने कार्यकाल में अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए, ये बयान उनका खुद का था, मेरा नहीं था। तो वे कहावत है कि खिसियानी बिल्ली और खम्मा नोचे, उन्हें आत्म विश्लेषण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए आरोप लगाने से पहले, क्योंकि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। भाई जी, श्रद्धा पांडे लगातार कार्रवाई कर रही थी, मुरैना में हाहाकार था, उनके चंबल में कई सैकड़ों कार्रवाई की, पुलिस के लिए किरकिरी बन गई थी, प्रशासन के लिए उनको हटा दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धा पांडे जी का भरपूर सहयोग किया है और जब भी कोई इस तरह की उन्होंने कार्यवाही की है उसमें पूरी तरह सरकार का समर्थन उनको था। राज सवाल स्थानांतरण और पदस्थापना शासन की अपनी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत यह कार्यवाही होती है, कोई अधिकारी कहीं स्थायी रूप से नहीं रहता है। मैं कहना यह चाहता हूं, मैंने बाद फिर भी ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस के समय में अवैध उत्खनन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अवैध उत्खनन नहीं होता है और होता है तो तत्काल उस पर सख्त कार्यवाही भी होती है। खुलकर आरोप लगाती थी कि पुलिस और प्रशासन सहयोग नहीं करता, पुलिस की माफियाओं के साथ मिली हुई है ना, ये आरोप लगाया करती थी, कहां सहयोग की बात करती। इस तरह का कोई गठबंधन हमारी नजर में और सरकार की नजर में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। थैंक यू।